तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि हमने सुपरमैन की कहानी में देखा था कि जब क्रिप्टॉन प्लैनेट खत्म होने वाला था तो उसके मॉम डैड सुपरमैन की जान बचाने के लिए उसे पृथ्वी पे भेज देते हैं। पर वहीं हमें दिखाया जाता है कि उसकी हिफाजत करने के लिए उसके पीछे उसकी कजन कैरा को भी भेजा जाता है। उन दोनों का स्पेसशिप एक दूसरे से इंटरलॉक्ड था ताकि वो एक ही जगह धरती पे लैंड कर सके। कैरा की मॉम उसे बताती है कि उसकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, पर इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम सोती रहेगी। कैरा अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो हर हालत में अपने कजन की हिफाजत करेगी और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। पर जब क्रिप्टॉन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक वेव निकलती है जिसकी वजह से कैरा का सिर्फ फैंटम जोन में चला जाता है, यानी कि स्पेस के एक ऐसे जोन में जहाँ समय गुजरता नहीं था। वो 24 साल तक सोती रही, फिर किसी तरह उसका सिर्फ अर्थ पे लैंड होता है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी उम्र अभी भी 13 साल ही होती है, पर उसका कजन अब एक बेबी से बड़ा होकर दुनिया के लिए सुपरमैन बन चुका था और उसे अब किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं थी। सुपरमैन कैरा को लेकर उन्हीं के पास गया जिन्होंने उसे पालकर बड़ा किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भी बचपन उसी की तरह बीते और एक दिन वो उसी की तरह अपने पावर को रियलाइज कर सके। कैरा को उस फैमिली में एक बहन भी मिली जिसका नाम एलेक्स था। अब इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। कैरा के पास वो सारी सुपर पावर्स होने के बावजूद वो एक मीडिया कंपनी में काम करती थी ताकि वो एक नॉर्मल इंसानों की जिंदगी जी सके, क्योंकि दुनिया को अब एक और सुपर हीरो की जरूरत नहीं थी। वहीं हम उसके एक फ्रेंड चार्ली को देखते हैं जो कहीं ना कहीं कैरा को पसंद करता था, पर कैरा उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानती आई थी। कैरा के ऑफिस में उसकी बॉस ग्रांट उसे कुछ इम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से निकालने को कहती है क्योंकि वो उतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ग्रांट के इस डिसीजन से कैरा खुश नहीं थी। वो उससे कहती है कि अगर उन्हें अचानक से ऐसे ही निकाल दिया गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा। इस पर ग्रांट उसे बताती है कि मेट्रोपोलिस शहर में एक सुपर हीरो है जो हमेशा से हीरोइक स्टंट करके लोगों को बचाता रहता है, जिसे वो लोग सुपरमैन बुलाते हैं, और उसी की वजह से उनकी राइवलरी कंपनी जैसे कि डेली प्लैनेट, वो हमेशा से ही सुपरमैन को अपने कवर पेज पे रखते हैं, और अगर उन्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो उन्हें भी कोई उसी की तरह नया सुपर हीरो ढूंढना होगा। इसके बाद कैरा जिमी ओल्सन नाम के एक आदमी से मिलती है जो पहले डेली प्लैनेट में काम करता था, पर अब से उसने उसकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। कैरा जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का अच्छा दोस्त था और एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी। जिमी उसे अपनी द्वारा खींची गई सुपरमैन की एक तस्वीर गिफ्ट के तौर पे देता है जिसे पाकर कैरा बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम कैरा की बहन एलेक्स को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाने वाली होती है, पर कैरा उससे अपने लिए एक ड्रेस चूज करने को कहती है क्योंकि आज वो किसी के साथ डेट पे जाने वाली थी। एलेक्स जल्दी से उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट करके निकल जाती है और कुछ देर बाद कैरा एक बार में बैठकर किसी का वेट कर रही होती है कि तभी वो न्यूज में देखती है कि जिनेवा जा रही एक फ्लाइट का इंजन फेल हो चुका है और वो शहर के चारों तरफ घूम रहा है और किसी भी वक्त वो क्रैश कर सकता है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसकी बहन एलेक्स भी उसी फ्लाइट से जाने वाली थी। वो तुरंत भागकर वहां से बाहर आती है और अपनी सुपरविजन से उस प्लेन के अंदर एलेक्स को देखती है। वो उस प्लेन को बचाने के लिए उड़कर उसके पास पहुँचती है और वो पूरे प्लेन को उठाकर किसी तरह सही सलामत एक नदी में लैंड करवा देती है। एलेक्स उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो घर आकर कैरा से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी, पर अब उसने अपने आप को दुनिया के सामने ला दिया है जिसकी वजह से उसे आगे जाकर बहुत परेशानी होने वाली है। वो उसे आज के बाद ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये उसके लिए सेफ नहीं था। अगले दिन कैरा के ऑफिस में सारे लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि उस प्लेन को बचाने वाली वो मिस्ट्री गर्ल कौन है। उसकी बॉस ग्रांट उस मिस्ट्री गर्ल को सबसे पहले अपनी कंपनी के थ्रू सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए वो सबको उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके लाने को कहती है और किसी तरह वो उन लोगों से उसकी एक क्लियर फोटो लाने को कहती है ताकि वो उसे अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सके। कैरा इन सबसे काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वो किसी को अपने बारे में बताना चाह रही थी और वो अपने फ्रेंड चार्ली को तुरंत छत पे मिलने के लिए बुलाती है और वहाँ उसे वो बताती है कि वो मिस्ट्री गर्ल जिसने प्लेन को बचाया वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। चार्ली को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उसने उसके सामने उड़कर दिखाया तो चार्ली की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके बाद हम उस शहर में वॉर्टेक्स नाम के एक एलियन को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है कि कैसे उसका कल एक प्लेन को क्रैश कराने का प्लान एक लड़की ने फेल कर दिया। उसके बॉस को पता चल जाता है कि वो लड़की एलूरा की डॉटर कैरा है। वो उसे किसी भी तरह कैरा को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इधर कैरा चार्ली के साथ मिलकर अपने लिए परफेक्ट ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद वो एक जगह पे लगे आग को बुझाने और लोगों को बचाने के लिए जा रही होती है।
पर तभी अचानक से उसे किसी चीज से सूट करके नीचे गिरा दिया जाता है और फिर बहुत से लोग आकर उसे वहां से ले जाते हैं। कैरा की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी चीज से बंधी हुई पाती है। वहां उसे हैंक हैंसाओ नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि ये सारे मटेरियल क्रिप्टोनाइट से बने हैं जिसे वो तोड़ नहीं सकती। तभी वो वहां पे अपनी बहन एलेक्स को देखती है जो आकर उसके हाथों को खोलती है। इसके बाद हैंक उसे बताता है कि वो डीईओ के कब्जे में है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑपरेशन, जो पृथ्वी को बाहर की दुनिया और एलियन के खतरे से बचाने का काम करती है। वो लोग कैरा पे तब से नजर बनाए हुए हैं जब से वो यहाँ पे लैंड हुई थी, क्योंकि उसके शिप के पीछे फोर्ट रॉज भी यहाँ आ गया था। फोर्ट रॉज क्रिप्टोन का मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला प्रिजन था जिसमें बहुत से खतरनाक एलियंस कैद थे। पर जब क्रिप्टोन डिस्ट्रॉय हुआ तो फोर्ट रॉज भी कैरा के शिप के पीछे फैंटम जोन में चला गया और वो भी उसके शिप के पीछे ही धरती पे आ गया, और जिसकी वजह से उसमें कैद सारे एलियन फ्री हो गए। बहुत सालों तक वो सब छुपे रहे पर अब वो धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और वो सारे एलियन मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने का सोच रहे हैं। कैरा उनसे कहती है कि वो उन्हें पकड़ने में उनकी मदद कर सकती है, पर हैंक उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, और उसे जाकर अपने ऑफिस में काम करने की सलाह देता है। अगले दिन कैरा को पता चलता है कि उसकी बॉस ने उस मिस्टीरियस गर्ल को सुपर गर्ल का नाम दिया है, और तभी वहाँ पे जिमी आता है जिसने सुपर गर्ल की एक क्लियर फोटो ली थी जिसे देखकर उसकी बॉस बहुत खुश होती है। कैरा जब जिमी से इस बारे में बात कर रही होती है कि तभी उसे अचानक से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उसे अलूरा की बेटी कह के बुला रहा होता है और उससे कहता है कि अगर शहर के लोगों की वो जान बचाना चाहती है तो वो तुरंत शहर के पावर प्लांट के पास आके उससे मिले। कैरा बिना कुछ सोचे उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। वहां पे पहुंचकर वो उसे आवाज देने लगती है कि तभी उस पे वही एलियन वॉर्टेक्स हमला करता है। कैरा उससे पूछती है कि वो कौन है और उससे क्या चाहता है। वॉर्टेक्स उसे बताता है कि उसकी माँ अलूरा ने उसे फोर्ट रेज में कैद किया था और उसे मारकर वो उसका बदला लेना चाहता है, और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। वॉर्टेक्स कैरा पे बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि कैरा ने अभी तक अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करना सीखा नहीं था। वो उस पे एक कुल्हाड़ी से वार करता है जिससे कैरा घायल हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पे एलेक्स अपनी टीम के साथ आ जाती है और वो कैरा को बजा के वहाँ से डीईओ के हेडक्वार्टर में ले जाती है। वहाँ एलेक्स उसके शरीर पे से उस कुल्हाड़ी के टुकड़े को निकालती है और उस मेटल को ट्रैक करके वो वॉर्टेक्स के लोकेशन का पता लगा लेते हैं। कैरा हैंक से कहती है कि वो इस बार उसे जरूर खत्म कर देगी, और वो उसके पास पहुंच जाती है और उसके ट्रक से टकराकर उसे नीचे गिरा देती है और उस पे लगातार हमला करने लगती है। पर वॉर्टेक्स उस कुल्हाड़ी की मदद से अब भी उस पे भारी पड़ रहा था। वो उसे एक जोरदार हमले से मारने ही वाला था पर कैरा अपनी लेजर बीम से उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसके धमाके में वॉर्टेक्स पूरी तरह घायल हो जाता है। पर वो कैरा के सामने सरेंडर करने के बजाय खुद को ही मार लेता है। अगले दिन कैरा जिमी से लंच के लिए पूछती है पर वो उससे कहता है कि वो छत पर आकर उससे मिले, और वहाँ वो कैरा को बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सुपर गर्ल है क्योंकि सुपरमैन ने पहले से उसे सब कुछ बता दिया था और उसने ही उसे उसका ध्यान रखने को कहा था ताकि वो अपनी पावर को खुद ही रियलाइज कर सके। अगले सीन में हमें उन सारे एलियन की हेड को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि कैरा की मोम अलूरा की जुड़वा बहन एस्ट्रा होती है, और उसे जब पता चलता है कि सुपर गर्ल उसकी नीस है तो वो समझ जाती है कि वो उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अब कैरा डीओ के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगती है ताकि वो अपने दुश्मनों के सामने अपने पावर का सही से इस्तेमाल कर सके, पर अभी तक उन लोगों ने उसे ये क्लियर नहीं किया था कि वो पूरी तरह से तैयार है। कैरा बार बार एलेक्स से कह रही होती है कि अब उसे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब वो उन एलियंस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। कैरा अभी एलेक्स से बात ही कर रही होती है कि उसे चार्ली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि शहर के एक पोर्ट पे आग लग गई है और वहाँ पे बहुत से लोग फंसे हैं। कैरा तुरंत उस जगह पे पहुँचती है और वहाँ के फायर फाइटर से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है, और तब उसे पता चलता है कि जहाँ पे आग लगी है उसके जस्ट बगल में एक शिप खड़ा है जिसपे लाखों गैलन्स ऑयल पड़े हैं, और अगर वो ब्लास्ट होता है तो ये पूरा एरिया ही खत्म हो सकता है। वो उस बड़े से शिप को धक्का देकर वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगती है और बहुत जल्द वो इसमें कामयाब भी हो जाती है, पर उसके एक्सेस पावर की वजह से वो शिप साइड से टूट जाती है और वो सारा ऑयल गिरकर सी में मिलने लगता है जिसकी वजह से सारे न्यूज वाले सुपर गर्ल को ब्लेम करने लगते हैं। कैरा की बॉस भी उसके बारे में बुरा ही लिखना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि सुपर गर्ल जो कोई भी है वो एक नौसिखिया लड़की है, इसीलिए वो अपने सारे टीम से उसके बारे में हर एक चीज को पता करने को कहती है, और वो जिमी को एक काम सौंपती है कि वो किसी भी तरह उसकी सुपर गर्ल के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाए। अगले सीन में हम एक केमिकल फैक्ट्री देखते हैं जहाँ के एक वर्कर को वहाँ एक एलियन दिखाई देता है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो
तो वो उसके हाथों मार आ जाता है। अगले दिन डीओ की टीम उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है। उस वर्कर की बॉडी में उन्हें एक अलग तरह का मेटल मिलता है जिसे देखकर कैरा को अपने बचपन की याद आने लगती है। उसकी मॉम ने एक बार उसे ऐसे ही एक एलियन के बारे में बताया था जिसे हेलग्रामाइट कहते थे, और फिर वो ये बात हैंक को बताती है और उन्हें उस एलियन के बारे में पता चल जाता है कि वो अपने आप को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैरा उनसे कहती है कि हम पिछली बार की तरह मिलकर काम करेंगे और उस एलियन को मार देंगे, पर एलेक्स उसे लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ पे क्रिप्टोनाइट का रेडिएशन होता है। वो उससे कहती है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है और क्रिप्टोनाइट की वजह से यहाँ पे उसकी पावर काम नहीं करेगी, और इसके बाद एलेक्स उसे लड़ाई के मूव सिखाने लगती है। कैरा अपनी पावर पे ज्यादा भरोसा करती थी, इसीलिए वो एलेक्स के मूव के सामने टिक नहीं पा रही थी और वहां से गुस्सा होकर वो चली जाती है। कैरा जिमी और चार्ली के साथ मिलकर काम करने लगती है ताकि वो अपनी इमेज को पब्लिक में सुधार सके, और कुछ समय के बाद ही पब्लिक फिर से सुपर गर्ल को पसंद करने लगती है जिससे वो बहुत खुश होती है और अपने दोनों दोस्तों को इसके लिए थैंक्स बोलती है। इधर डीओ को अपने रिसर्च में पता चलता है कि हेलग्रामाइट एलियन को खाने के लिए डीडीटी केमिकल की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए वो कुछ दिनों से केमिकल फैक्ट्री पे हमला करते हैं। वो लोग इसी चीज का सहारा लेकर उन्हें पकड़ने का सोचते हैं, और एक वैन में बहुत सारी डीडीटी केमिकल्स रखकर वो उस पे नजर रख रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी महक से वो एलियन वहां जरूर आएगा, तभी अचानक से वो एलियन उस वैन पे हमला करता है। हैंक और एलेक्स उस पे फायर करने लगते हैं, पर वो एलियन उन पे हमला कर देता है जिसकी वजह से एलेक्स घायल हो जाती है, और वो उसे उसकी गाड़ी से उठाकर एस्ट्रा के पास लेके जाता है। कैरा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो हैंक पे बहुत गुस्सा होती है। हैंक उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा, पर अब कैरा खुद उसे ढूंढने निकल जाती है, और बहुत जल्द उसकी पावर से उसे पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ पे है। वो तुरंत इसके बारे में हैंक को बताती है और वहाँ पे जल्दी से पहुँचने को कहती है, और इसके बाद कैरा सीधे उस जगह पे पहुँचती है जहाँ उसे एलेक्स दिखाई देती है, पर तभी उस पे हमला होता है और वो वहाँ पे एस्ट्रा को देखती है। कैरा उससे कहती है कि वो तो मर चुकी थी क्रिप्टोन के डिस्ट्रॉय होने पे, पर वो उसे बताती है कि वो मरी नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम एलूरा ने उसे फोर्ट्रेज में कैद कर दिया था। वो कैरा को अपने साथ मिलकर काम करने को कहती है ताकि पृथ्वी पे उनके रेस का राज हो सके, पर कैरा उसकी इस बात से सहमत नहीं थी, तो एस्ट्रा उस पे हमला करने लगती है और बहुत जल्द उसे मारकर घायल कर देती है। पर तब तक वहाँ पे हैंक भी आ जाता है। एस्ट्रा उसे पकड़कर मारने ही वाली होती है कि तभी हैंक उसके हाथ में क्रिप्टोनाइट मेटल से बने चाकू से हमला कर देता है जिससे एस्ट्रा को बहुत तकलीफ होने लगती है, और वो वहाँ से भाग जाती है। एलेक्स का उसके बाद अच्छे से इलाज किया जाता है और वो कैरा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो कैरा को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पे वो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू अपने क्रिप्टोनियन एंसेस्टर से बात कर सकती थी। अगले सीन में हम एस्ट्रा को देखते हैं जो उस चाकू की वजह से काफी तकलीफ में होती है। वो कहती है कि उसने इंसानों को बहुत कमजोर समझा, पर वो काफी चालाक और होशियार निकले। तो ये थी एपिसोड 1 और 2 की पूरी कहानी। इसके आगे के एपिसोड हम बहुत जल्द देखेंगे, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।